दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस पक्षी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मोर। मोर को अंग्रेजी भाषा में पीकॉक कहते हैं। मोर धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक होता है। यह मध्यम आकार का एक रंगीन पक्षी है जो तीतर यानी फीजेंट परिवार से संबंध रखता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। यह एशिया का मूल निवासी है और मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाया जाता है। नर मोर को पीकॉक कहते हैं, मादा मोर को पीहेन कहते हैं। जब मोर समूह में हो तो उस समूह को पीफाउल कहा जाता है। मोर के बच्चे को पीचिक्स कहते हैं। मोर की मुख्यतः तीन प्रजातियां हैं, जिनमें से दो एशियाई मूल की और एक अफ्रीका मूल की होती है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वहीं धूमीला मोर म्यांमार यानी बर्मा का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर मुख्यतः जमीन पर रहने वाला पक्षी है। मोर उड़ भी सकता है लेकिन सीमित दूरी तक ही। शिकारी से बचने की कोशिश में या रात में पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए मोर मुख्यतः उड़ान भरते हैं। मोर खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। इन्हें निवास के रूप में ऐसे क्षेत्र पसंद हैं जो उन्हें पौधों और कम ऊंचाई के पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करते हों। इस तरह इनके लिए भोजन प्राप्त करना आसान हो जाता है। मोर वर्षा वनों और झाड़ियों में भी पाए जाते हैं। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनके पंखों का फैलाव लगभग 2.5 मीटर के आसपास होता है। मोर के उड़ने की रफ्तार 10 मील प्रति घंटा हो सकती है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। यह मुख्य रूप से अनाज, घास, फल पत्ते, बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ, कीड़े, दीमक, टिड्डियाँ, चूहे, छिपकली और सांप इत्यादि खाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले मोरों का जीवन काल शिकारियों और कठोर मौसम के कारण लगभग 10 से 15 वर्ष तक सीमित होता है। वहीं चिड़ियाघरों या अन्य सुरक्षित स्थान में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 25 से 30 वर्ष तक हो 15 से 25 किलोग्राम तक हो सकता है। जबकि मादा मोर यानी मोरनी का वजन लगभग 14 से 18 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी मादा मोर की लंबाई लगभग 3 से 4 फुट तक हो सकती है। मोर के चोंच की लंबाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। नए मोर के सिर पर मुकुट के समान खूबसूरत कलगी भी होती है। एक सुंदर होते हैं। इनके सुंदर पंख और सुंदर लंबी पूंछ होती है। मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती। इनका चेहरा गेहुआ रंग का होता है। मोरनी के भूरे रंग की कलगी के साथ साथ धात्विक रंग का ऊपरी भाग उभरा हुआ होता है। मोर के समान मोरनी की पूंछ लंबी नहीं होती। मोर के पंखों के लिए
शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। मोर गर्मी के मौसम में खुद ब खुद अपने पंखों को झड़ा देते हैं। एक मोर के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, जिनमें से 3 आगे की और 1 पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। उंगलियों की ऐसी संरचना मोर के लिए शाखाओं को पकड़ना और पेड़ों में घूमना आसान बनाती हैं। मोर समूह बनाकर रहने वाला पक्षी है, यह अकेला रहना पसंद नहीं करता। इनके समूहों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। मोरनियों के समूह को बेवी कहा जाता है, वहीं मोरों के समूह को हाम भी कहा जाता है। नर मोर एक से अधिक मादाओं से संबंध बनाते हैं। आमतौर पर मोरनियां संभोग के लिए अपने साथी का चुनाव आकार, रंग, पंख और पूंछ की सुंदरता देखकर करती हैं। प्रजनन काल के समय नर मोर सुंदर पंख फैलाकर मादा को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मोरनी का प्रजनन काल जनवरी और मार्च के मध्य होता है। ये एक बार में 3 से 6 अंडे देती हैं। अंडे सेने का काम मादा ही करती है। लगभग 24 से 28 दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। जन्म के समय मोर के बच्चों का वजन लगभग 150 से 180 ग्राम तक होता है। मोरनियां जन्म से ही अपने बच्चों को चलना फिरना और खाना पीना सिखा देती हैं। नर मोर जन्म के 6 माह तक दिखने में मादा मोर की तरह होते हैं। 6 माह के बाद उनमें बदलाव आने लगता है। उनकी कलगी और पूंछ लगभग 2 वर्ष के बाद आती है। मोर एक आक्रामक पक्षी होता है, जो अपने क्षेत्रों में अजनबी, यहाँ तक कि नए मोर के प्रवेश को भी मंजूरी नहीं देता। सामान्यतः मोर 10 से 20 समूह में यात्रा करते हैं। मोर में एक अजीब व्यवहार होता है। ये जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं और पेड़ की ऊंची डाली पर बैठते हैं। मोर 18 अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकता है। मोर की आवाज़ बड़ी ही कर्कश होती है। बतख और अन्य पक्षियों के विपरीत मोर पानी में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही तैर सकते। उनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहने में ही सक्षम होते हैं, लेकिन पानी में तैरने वाले अन्य पक्षियों की तरह मोर के पैर झिल्लीदार नहीं होते, इस कारण यह पानी में तैर नहीं सकता। ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में मोर को देवी हेरा यानी गोडेस हेरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। हिंदू धर्म में मोर का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख सजा होता था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही माना जाता है। सांपों को पकड़ने और खाने की प्रवृत्ति के कारण गांव के लोग आमतौर पर मोर पालते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो मोर गांव के लोगों की सुरक्षा का ही काम करते हैं। जंगल में बाघ और अन्य जंगली जानवरों से मोरों को खतरा होता है। वहीं गांव के करीब रहने वाले मोरों को कुत्तों, बिल्लियों या अन्य
जानवरों का खतरा रहता है। मोर के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट और कई तरह के सजावटी सामान बनाने में होता है। शिकार और निवास के नुकसान के कारण मोरों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन भारतीय मोर लुप्त प्राय पक्षी नहीं है। कोंगो पीफोल मोर की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में दर्ज किया गया है, जबकि ग्रीन पीफोल एक लुप्त प्राय प्रजाति है। भारत में मोर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया गया है। मोर के शिकार पर भारत में पूर्णतः प्रतिबंध है। दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।